हेनरी एल्फ्रोड 1810 से 1871 के बीच में जो है हेनरी के एक आदत थी कि हर बात में जो है प्रभु को धन्यवाद देना, और खाने के पहले विशेष करके प्रभु को भोजन के लिए भी धन्यवाद देना, और न सिर्फ इस बात के लिए धन्यवाद देना भोजन के पहले, वरन खड़े होते समय, बैठते समय, चलते समय, आराम करते समय, हर ब्लेसिंग जो है आपके जीवन में वो प्रभु के कारण है। और जब दिन का अंत हो जाए तब फिर से प्रभु को धन्यवाद देना। सो उन्होंने इस धन्यवाद की प्रार्थना को जो है गीत के रूप में कलमबद्ध किया। और जब ऐसा होते होते जो है आपकी जिंदगी हो जाए तब आप ये कह सकें कि प्रभु मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और इस मशहूर गीत को जो है इंग्लैंड के गांव में जो है बहुत सारे समय में, विशेष करके फसल की कटाई के समय में प्रभु को धन्यवाद देना, और करीब 19वीं शताब्दी में धन्यवाद का ये गीत जो है कटाई के फसल कटाई के बाद में गाए जाने वाला एक मशहूर गीत हो गया, जो लोग फसल काटते काटते इस गीत को जो है गाने लगे। सो हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें चाहिए कि हमारे जीवन के लिए हम प्रभु के प्रति हर पल जो है धन्यवादित हों। सो हेनरी एल्फ्रोड के इस गीत की धुन को सुने और प्रभु की आराधना में सम्मिलित भी हो सकते हैं। The Lord is our God, the Lord alone.